मूवी कैसे हो सारे। सो फाइनली ग्लोरी एल्बम से मोस्ट अवेटेड ट्रैक पायल, उसकी म्यूजिक वीडियो हनी पाजी ने आज ड्रॉप कर दी। वीडियो को देखते ही ना भाई आधे से फैंस का तो मुंह में से पानी निकल आया था और कुछ लोगों का नीचे से भी। तो हनी पाजी ने पायल ट्रैक की म्यूजिक वीडियो इतनी जल्दबाजी में क्यों ड्रॉप करी? सीधी सी बात है, जियान भाई के मोरनी ट्रैक की हाइप जो खानी थी और पाजी ने खा भी ली भाई, वो भी सिर्फ एक घंटे में। ये जो बंदा भाई खुद के ट्रैक में खुद को ही नंबर वन बताता है और कहता है मैं टॉप पे बैठा हूं, मैंने सीन चेंज करा है, इसके ट्रैक पे भाई विथ एड्स जो व्यूज आए हैं 25 मिलियन प्लस है, लाइक्स इसके ढंग से 3 लाख नहीं हो पा रहे हैं। वहीं अपने दूसरी साइड हनी पाजी हैं जो कि सिर्फ एक घंटे में ही ट्रेंडिंग सेक्शन में एंटर हो चुके थे और एक घंटे में 1 मिलियन प्लस और लाइक्स तुम देख सकते हो 2.5 लाख प्लस। प्रेजेंट में अगर तुम देखो तो हनी पाजी के 20 मिलियन प्लस व्यूज हो चुके हैं विद ऑलमोस्ट 1 मिलियन लाइक्स, तुम देख ही सकते हो। और दूसरी साइड सो कॉल्ड नंबर वन आर्टिस्ट भाई 26 मिलियन प्लस व्यूज हैं और 3 लाख लाइक्स नहीं हो पा रहे इनसे। अरे ये तो छोड़ो ही छोड़ो, हनी पाजी के ऑडियो ट्रैक से ही इसको कंपेयर कर दें पायल का, भाई 26 मिलियन व्यूज हैं एकदम ऑर्गेनिक, उसके लाइक्स देखो ऑलमोस्ट 1 मिलियन है और कहां इसकी म्यूजिक वीडियो जिसका तगड़ा प्रमोशन कर रहा है ये बंदा। बेचारे की पूरी हाइप खा ली हनी पाजी ने, इतना इसने पैसा लगाया था, पूरे पैसे हनी पाजी ने पानी में मिला दिए भाई इस बंदे के। हिप हॉप पे जिसको पैसे दे रहा था, रिएक्शन चैनल्स को पैसे दे रहा था कि मेरे वीडियो को फैलाओ ज्यादा से ज्यादा, पाजी ने कहीं का नहीं छोड़ा। एनीवेज ट्रैक के बारे में बातचीत करते हैं, छोटा सा रिव्यू करेंगे बेसिकली सर वीडियो के बारे में। ऑडियो ट्रैक के बारे में क्यों ही बात करना, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ सुपर डुपर हिट है, मोस्ट व्यूड अगर ऑडियो ट्रैक की बातचीत करें ना ग्लोरी एल्बम से तो पायल ट्रैक ही है जो कि भाई मोस्ट अवेटेड था एंड वन ऑफ द फेवरेट ट्रैक है मोस्टली ऑडियंस का। सो वीडियो में फीचर करा है स्वर्ग से उतरी हुई परी नोरा फतेही ने और पैराडॉक्स ने हनी पाजी के साथ साथ। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना कदम तू तेरे संभल के रख। वीडियो को शूट करा है मिहिर गुलाटी साहब ने भाई, ट्रैक शूट हुआ है जॉर्जिया में -3 डिग्री टेम्परेचर में, सैल्यूट बनता है भाई सभी लोगों को। नोरा फतेही भाई बिना कपड़ों के छोटे कपड़ों में भाई क्या ही डांस मूव्स दिखाए हैं, लोगों के मुंह से पानी आ गया भाई, आंखें बंद नहीं हो रही हैं यो यो फैंस की, इतनी वीडियो देख रहे हैं बार बार, तुम व्यूज देख ही सकते हो। हनी पाजी और पैराडॉक्स ने बिना कोई जैकेट के भाई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो सैल्यूट तो बनता है भाई, अप्रिशिएट करना बनता है। कॉस्ट्यूम्स भाई जिसने भी डिजाइन करे हैं कितने प्यारे लग रहे हैं भाई सभी के सभी। नोरा फतेही भाई कितनी सेक्सी लग रही है, कितनी सुंदर लग रही है, ऊपर से अपने हनी पाजी कुर्ता पजामा में आ गए और फॉरेनर्स को साड़ी पहना दी भाई, ये सिर्फ हनी पाजी ही कर सकते हैं। पैराडॉक्स भी अच्छा लग रहा था भाई जो भी आउटफिट थे उसमें भाई। म्यूजिक वीडियो ना पूरी हरी भरी लग रही थी, फुल ऑन इंटरनेशनल फील आ रहा था विजुअल्स देख के। और भाई कोरियोग्राफी के तो क्या ही कहने, नोरा फतेही के जो डांस मूव्स थे ना हनी पाजी की बीट का जो सैंपल है तबला वाला भाई उससे मैच हो रहा था, क्या ही क्रेजी फील आ रहा था यार वो देख के। ऊपर से अपने हनी पाजी ने ब्लू आईज का नॉस्टैल्जिया डांस स्टेप करा दिया भाई पैराडॉक्स और नोरा फतेही से, ये भी क्या ही क्रेजी लग रहा था। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना कदम तू तेरे संभल के रख। भाई मैं बता रहा हूँ नोरा फतेही ने ना पूरी म्यूजिक वीडियो में -3 डिग्री टेम्परेचर में भी भाई आग लगा दी। अब मैं कह सकता हूँ हनी पाजी का जो डिसीजन था ना भाई ये बेस्ट डिसीजन था कि म्यूजिक वीडियो में नोरा फतेही को फीचर करना, लेकिन क्या हो अगर हनी पाजी तमन्ना भाटिया को फीचर कर लेते भाई, कमेंट्स में बताओ कहाँ कहाँ से पानी निकलता तुम्हारा। बात अगर करें बीट्स की तो ये तो सबको पता है काफी अच्छे से कि पूरे इंडियन हिप हॉप सीन में हनी पाजी से बेहतर बीट्स कोई प्रोड्यूस कर ही नहीं सकता भाई, और ये बेस्ट एग्जांपल है पायल ट्रैक भाई। तुम खुद सोचो ना फुल ऑन इंटरनेशनल बीट्स के साथ में हनी पाजी ने जो तबला वाला सैंपल यूज करा है, देसी तड़का दिया है भाई, ये इंडिया में किसी ने नहीं करा और यही सबसे बड़ा रीजन है जो इस ट्रैक को लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं और मोस्ट व्यूड ऑडियो ट्रैक है ये पूरी एल्बम से। भाई तुम जितना सुनोगे ना उतना अच्छा लगेगा, लेकिन तुम बोर नहीं हो सकते। ऊपर से हनी पाजी ने इतनी खतरनाक वीडियो डिलीवर कर दी भाई, तो ट्रैक तो भाई 200 मिलियन ऐसे ही हिट करेगा, तुम ये लिख के ले लो। ऐसे ही अपने हनी पाजी को लेजेंडरी बीट प्रोड्यूसर नहीं बोला जाता है जो कभी भी एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटता, और पूरे ट्रैक में ना मेरे ख्याल से तो 60% जो रोल है वो बीट का ही है जिसकी वजह से लोगों को काफी ट्रैक पसंद आ रहा है। अगर म्यूजिक वीडियो की बात करें ना तो ओवरऑल म्यूजिक वीडियो बहुत तगड़ी है, गुलाटी साहब का अच्छा काम है, बस छोटी सी एक शिकायत है ये जो ब्लर इफेक्ट होते हैं ना ये थोड़ा कम कर दो, क्योंकि पता नहीं जब शुरुआत में मैंने म्यूजिक वीडियो देखी 3-4 बार भाई बार बार विगनिया हीरा ट्रैक के जैसे सिमिलर वीडियो लग रही थी जिसकी वजह से थोड़ा चीप फील होता है, बाकी तो भाई फुल ऑन तगड़ा काम है भाई। कैमरा एंगल्स वीडियो के शॉट्स बहुत ही ज्यादा क्रेजी हैं, जब नोरा फतेही डांस करती है तो उसका हाथ सामने आता है
तो उसके साथ साथ कैमरामैन भी भाई पीछे जाता है। ये शॉट कितना प्यारा लग रहा था, लाइक जूम इन जूम आउट वाला इफेक्ट हो। भाई वोकल्स की बात करें तो हनी पाजी ने जो सिंगिंग करी है उसके तो क्या ही कहने भाई, बंदा ना सिंगिंग कर लेता है, बहुत ही प्यारी करता है। तुमने तो उनको विदाउट ऑटो ट्यून भी सुना होगा। हनी पाजी ने छाती ठोक के ये एक्सेप्ट करा है कई बार कि हाँ मैं ऑटो ट्यून यूज़ करता हूँ लेकिन हल्की सी करता हूँ ताकि वोकल्स निखर के आए, अदर आर्टिस्ट की जैसे नहीं जो एक्सेप्ट ही नहीं करते कि मैं ऑटो ट्यून लगाता हूँ। हनी पाजी करते हैं लेकिन हल्की सी करते हैं, और भाई उनको बिना ऑटो ट्यून के तुम सुनना कितनी प्यारी वॉइस है उनकी, अच्छी सिंगिंग करी है। और पैराडॉक्स ने भी अपना रैप परफॉर्म बहुत तगड़ा करा है। पैराडॉक्स का जो रैप है ना भाई, वो सबसे ज्यादा वायरल पार्ट है जो कि लोगों को पसंद आ रहा है, जिसमें ये वाली लाइन है, भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना कदम तू तेरे संभल के रख। सो दैट्स इट, ये था भाई मेरा ओपिनियन। अब तुम्हारा क्या सीन है कमेंट्स में बताओ, तुम कितना रेट करोगे ट्रैक को। ऑडियो ट्रैक की बात करूं तो 100 आउट ऑफ 100 दूंगा, वीडियो की बात करूं तो 100 आउट ऑफ 95 दूंगा। पांच नंबर भाई वही जो ब्लर इफेक्ट है ना, जो थोड़ा सा चीप फील होता है, उसके काटे हैं। बाकी ओवरऑल बहुत तगड़ा काम था वीडियो का भी, और ऑडियो ट्रैक तो था ही नेक्स्ट लेवल। बाकी जीएन भाई को बर्थडे गिफ्ट दे ही दिया मैंने स्टार्टिंग में, तो तुम लोग भी अगर देना चाहते हो तो इस वीडियो को फैलाओ और औकात याद दिलाओ कि बंद कर दो, अपनी हद में रहो, हनी पाजी से कंपेयर मत करो, थोड़ी बहुत इज्जत मिलने लगेगी, लोग हेट देना बंद कर देंगे अगर ऑर्गेनिकली काम करोगे अपनी हद में रह के। वीडियो को लाइक शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी बाय।